यस। शैल आई वेट स्टार्ट? फॉर अ मोमेंट मैम। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एससीईआरटी के द्वारा आयोजित इस 30 दिवसीय वर्कशॉप में, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर चलने वाले ऐप्स से संबंधित जानकारियों को हासिल कर पा रहे हैं। इसी फिर आज हमारे साथ होंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शिवाली जायसवाल मैम, अंकित श्रीवास्तव एंड निशा मैम। आज आपके साथ स्पेशली जुड़ेंगी शिवाली जायसवाल मैम मेरठ से, जो आपको पिक्सल लैब के विषय में बताएंगी। और मैं पूरी टीम की ओर से, एससीईआरटी की टीम की ओर से और आईसीटी टीम की ओर से, सारे एक्सपर्ट्स की ओर से शिवाली मैम, निशा मैम और अंकित सर का बहुत बहुत स्वागत कर। शैल आई स्टार्ट? यस। जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की पिक्सल लैब के साथ और शिवाली मैम के साथ। ओम गणपते नमः। नमस्कार साथियों, एससीईआरटी यूपी द्वारा आयोजित कंप्यूटर ऑनलाइन वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं अपने सहयोगी अनीता जी, जो पीलीभीत से हैं, और अंकित श्रीवास्तव जी, जो श्रावस्ती से हैं, मैं शिवाली जायसवाल, आप सबके सामने क्रिएटिव आर्ट के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग पर हम लोग प्रस्तुति करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम जो सीखेंगे वो पिक्सल लैब पर पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, फ्लायर्स बनाना, यूट्यूब थंबनेल व अन्य प्लेटफॉर्म के लिए पोस्टर्स बनाना सीखेंगे। तो आइए, पोस्टर बनाने से पहले हम जो है सीखेंगे कि इसका इंटरफेस और इसके डिफरेंट टूल्स किस प्रकार से हैं। तो इसका पहले, सबसे पहले इस पर कार्य करने से पहले, इसके इंटरफेस को समझने से पहले हम जानते हैं कि यह किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है और हम इसे किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी पीपीटी में देख रहे होंगे, हाउ टू इंस्टॉल पिक्सल लैब ऐप, यह जो है मोबाइल पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर आप इस पर कार्य कर सकते हैं। और इस पर कार्य करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं, और प्ले स्टोर पर जैसा कि पहली विंडो में मैंने दिखा रखा है, पहली पिक जो है इसमें प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहां पर आप लिख दीजिए पिक्सल लैब, और पिक्सल लैब लिखने पर जब आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स। तो ये मेरे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो ये मुझे शो कर रहा था ओपन। तो आप इसे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपका जो फोर्थ जो पिक है, जिसमें पिक्सल लैब का लास्ट का जो एक फिगर आइकन बना हुआ है पिक्सल लैब, तो वो पिक्सल लैब आप ओपन करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और पिक्सल लैब ओपन हो जाएगा। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस आता है। ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस में ऊपर टॉप बार पर कुछ टूल्स होंगे, कुछ टॉप बार पर टूल्स होंगे, और जो है साइड में कुछ टूल्स दिखाई देंगे, बॉटम पर कुछ टूल्स। देखिए, टॉप बार पर कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। टॉप बार देखिएगा तो टॉप बार पर आप यहां पर कुछ टूल्स होंगे जो कि आपके क्विक एक्शंस के लिए होते हैं। देन
कुछ ये आपका प्रीव्यू एरिया होता है, ये प्रीव्यू एरिया आप देख सकते हैं। बीच में जो भी आप वर्क करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी आप एलिमेंट्स ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे, वो सारी की सारी आपके इस प्रीव्यू एरिया में शो होती हैं। देन वी हैव द बॉटम बार। आप नीचे देख सकते हैं कि एक बॉटम बार है। बॉटम बार में आपके 5 टूल्स हैं। इन्हीं टूल्स के द्वारा आप जो है अपनी इमेजेस को इंक्लूड करेंगे, अपने बैकग्राउंड को इंक्लूड करेंगे, टेक्स्ट को इंक्लूड करेंगे, और जो भी आप टूल लेते हैं तो उस टूल के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उन ऑप्शन से आप बहुत सारे इफेक्ट जो है अपनी इमेजेस पर, अपने टेक्स्ट पर, अपने बैकग्राउंड पर आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पोस्टर में। तो देखिए, इस बॉटम में हमारा ये पहला जो ट्राइंगल, थ्री सर्कल्स जो बने हैं, तो थ्री सर्कल्स से हम बहुत सारे प्रीसेट्स जो होते हैं वो बैकग्राउंड की इमेजेस वगैरह लगा के, या टेक्स्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है उसमें, किस तरीके का उसका आपका जो है फॉन्ट होना चाहिए, वो सारा प्री डिसाइडेड होता है। तो वो प्री सेट्स आपको मिलते हैं, आप उनमें से भी कोई प्रीसेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई प्रीसेट बनाकर और उसे भी सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये थ्री सर्कल्स का जो टूल है उससे हम प्रीसेट्स को ले सकते हैं। देन वी हैव सेकंड, हमारा जो ऑप्शन होता है वो टेक्स्ट ऑप्शन होता है। टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो है ए बना हुआ है। ए से आप हमेशा ही समझते हैं कि टेक्स्ट के बारे में, तो इससे हम कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। और जब आप ये ए टेक्स्ट ऐड करते हैं तो टेक्स्ट ऐड होते ही आप नीचे के फिगर में देखेंगे कि वहां पर जैसे ही हमने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो हमारे पास बहुत सारे ये ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको हम अभी वर्क ऑन करेंगे तो हम समझेंगे। जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि पहला ऑप्शन एडिट का है, एडिट से, यानी कि आप इस टेक्स्ट में जो भी एडिटिंग, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो एडिट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमारा बहुत सारे, मैंने इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है दिखाया है कि हम टेक्स्ट को मेन को मैंने कॉपी है, डिलीट है, कॉपी हम समझते हैं, डिलीट हम समझते हैं। इसमें फिर एक रिलेटिव पोजीशन होती है कि हमारा टेक्स्ट जो है हमारे पूरे बैकग्राउंड के रिलेटिव मिडिल में होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, बॉटम पर होना चाहिए। तो वो सारी पोजीशंस जो हैं हम इस रिलेटिव पोजीशन से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक सबसे नीचे का जो फर्स्ट फिगर है, इसमें एक मैंने नीचे जो है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको दिखाया है, तो वो टेक्सचर है। टेक्सचर से आप जो है किसी भी टेक्स्ट के अंदर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा रहता है और उसमें कोई इमेजेस अंदर दिखाई देती हैं, तो वो काम जो है वो आप टेक्सचर से कर सकते हैं। फिर जो सेकंड फिगर है उसमें आपका टीटी करके है, वो साइज के लिए है। फिर उसके नीचे कलर है, ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि जो हम कलर उसमें भर रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो थोड़ा डार्क होना चाहिए या वो लाइट में दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम ओपेसिटी को करते हैं, ओपेसिटी को ऑप्ट करते हैं। और ओपेसिटी को जैसे ही ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास एक लाइन में ड्रैग करने के लिए ऑप्शन आता है, तो हम उससे जो है ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमारी जो थर्ड फिगर है, थर्ड पिक है, उसमें हमने टू फ्रंट और टू बैक दिखाया है। यानी कि अगर आप इमेज को किसी भी टेक्स्ट को किसी इमेज पर अगर आप रख रहे हैं तो आप जो इमेज या जो टेक्स्ट है वो आप बैक में दिखाना चाहते हैं या इमेज के फ्रंट में दिखाना चाहते हैं या किसी शेप के फ्रंट में लेना चाहते हैं या बैक में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इन दो ऑप्शंस का यूज
करते हैं। तो इस तरीके से जब हम अभी काम करेंगे तो हम बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे कि वहां पर टेक्स्ट के साथ हमें मिलते हैं, और जैसे जैसे आप वर्क करते हैं आप और ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारा जो थर्ड है ऑप्शन या थर्ड टूल जिसे हम कहेंगे वो पॉलीगन का टूल है, और आपको दिखाई भी देगा जब आप पिक्सल लैब अपना ओपन करेंगे इंस्टॉल करके, तो वो एक आइकन है जिसके द्वारा हम स्टिकर्स या शेप्स को इंक्लूड कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्टिकर्स के लिए और इमेजेस इंपोर्ट करने के लिए, शेप्स बनाने के लिए और आपका ड्रॉ करने के लिए, एरो करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से हम थर्ड जो हमारा टूल है उससे हम जो है स्टिकर, शेप्स या ड्रॉ का ऑप्शन ले सकते हैं। देन वी हैव द फोर्थ टूल। फोर्थ टूल हमारा जो है वो हमारे बैकग्राउंड पर वर्क करने के लिए हमें मिलता है। हम बैकग्राउंड का जो भी साइज ऑप्ट करना चाहते हैं तो हम जब जैसे ही इमेज साइज वहां पर होता है उसको क्लिक करेंगे तो प्रीसेट में हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ साइजेस होते हैं जो कि हमारे यूट्यूब थंबनेल के लिए होते हैं या हमारे एफबी की पोस्ट के लिए होते हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस वहां मिलते हैं। साथ ही आप अपनी इमेज को का साइज खुद भी डिसाइड करके जितना बड़ा आप लेना चाहते हैं, जितनी उसकी हाइट, जितना उसका विड्थ, वो वहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं और उसे ऑप्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ हमें ये बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। कलर का ऑप्शंस मिलता है, क्रॉप करने का ऑप्शंस मिलता है, और हमें जो है इसको ट्रांसपेरेंट बनाने का ऑप्शन मिलता है, इमेज इंसर्ट बैकग्राउंड में कोई इमेज देने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप किसी टूल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिनको आप चूज करके अपने पोस्टर को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। देन वी हैव द लास्ट टूल, टूल 5, जिसमें हमें जो है बहुत सारा वर्क करने को मिलता है। विगनेट जैसे आपका देखते होंगे कि आपके कई जो इमेजेस होती हैं उसमें बीच में कलर लाइट होता है और साइड में डार्क होता चला जाता है, तो वो विगनेट से इफेक्ट दे सकते हैं। अगर हम अपनी बैकग्राउंड में स्ट्रिप्स चाहते हैं तो वो स्ट्रिप्स दे सकते हैं। हम ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर सैचुरेशन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी बैकग्राउंड के साथ और जो भी वर्क करना चाहते हैं वो इससे टूल नंबर 5 से कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉप बार में। कुछ टूल्स हमने शॉर्टकट दिखाए थे आपको, तो टॉप बार में एक डबल क्विट करके एक होता है, आपको डबल क्विट करके एक दिखेगा, तो वो जो है आपका क्वोट्स करने के लिए होता है। बहुत सारे क्वोट्स जो होते हैं, क्वोट्स यानी कि हमारे हिंदी और इंग्लिश में जो भी हमारे बने बनाए वाक्य हैं वो मिलते हैं, सेंटेंसेस, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाले सेकंड फिगर में जितने भी हमने दिखाए हैं वो आपको मिलेंगे और आप उससे वर्क कर सकते हैं। देन हमारा उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो शेयरिंग का ऑप्शन होता है। आप अपने पोस्टर को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, आप जीमेल पर ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं ट्विटर पे। तो इस तरीके से आप कहीं भी जो है अपने पोस्टर को किसी भी फ्रेंड्स के साथ, किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर नीचे आपका देखेंगे आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, तो ज्यादातर पीएनजी यूज करना चाहिए क्योंकि पीएनजी में जो आपका स्पेस है वो कम लेता है, और साथ में इसके जो है रिजोल्यूशन आप अल्ट्रा चूज कर लीजिए तो आपके कम स्टोरेज में आपकी अच्छी पोस्टर जो है वो सेव हो जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे आप ये जो फर्स्ट फिगर में अगर आप देखें तो मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट फिगर में सेव एज प्रोजेक्ट एंड सेव एज इमेज,
जब आप सेव एज प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट का नाम पूछता है और ये प्रोजेक्ट जो है आपका ये क्या होता है, सेव होता है आपके पिक्सल लैब पे। और अभी कभी आपको अगर आगे कोई रिक्वायरमेंट है इसको और चेंजेस करने की, तो आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और सेव एज इमेज में जैसा कि हमने बताया कि ऊपर आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं और कोई भी फॉर्मेट लेकर आप जो है उसे अपनी गैलरी में कहीं भी सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन लिखा होता है सेव टू गैलरी, तो आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इंटरफेस है और डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पिक्सल लैब पर, जिन पर हम काम करना सीखेंगे। और अभी हम इसको हैंड्स ऑन काम करते हैं, अभी लाइव में आपको सब डेमो करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम जो है इस पर वर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पर पिक्सल लैब का जो हमारा ऐप है उसको ओपन करके वर्क करना बताते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने पिक्सल लैब का ये ऐप ओपन किया है। पिक्सल लैब के ऐप को ओपन करते ही आपको ये इंटरफेस जिसके बारे में मैंने बताया था, ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। टॉप पर जो है आपके टूल बार शॉर्टकट टूल्स हैं और बीच में ये प्रीव्यू एरिया है जहां पर ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। और साथ में नीचे बॉटम पर कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए ये आपके टूल्स के ऑप्शन है जिनके बारे में हमने बताया था। और यहाँ पर कुछ जो है देखिए ये प्रीसेट्स हैं, ऑलरेडी प्रीसेट्स डिफाइंड हैं, आप इनको जिनको भी क्लिक करके लेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उस तरीके का टेक्स्ट पर आप वर्क कर सकते हैं और इमेजेस और जो आपका टेक्स्ट है वो एड कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे टॉप पर यहाँ पर जहाँ प्रीसेट्स हैं, यहाँ पर एक फाइल टाइप का एक फोल्डर टाइप का एक आइकन बना हुआ है। इसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन, ये एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप इस तरीके का अपना पोस्टर बना सकते हैं। सेकंड जो है हमारा इस तरीके का पोस्टर है जो आप बना सकते हैं, इमेज पर वर्क कर सकते हैं, आप इस तरीके के पोस्टर पर वर्क कर सकते हैं। देन आप आईडी कार्ड इस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम एक एक करके सीखते हैं कि हम किस तरीके से इन पर वर्क करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं सिंपल आपको एक पोस्टर बनाना बताती हूँ। पोस्टर बनाने के लिए हमने जो है एक ये लिया, अभी हम न्यू टेक्स्ट से यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, हम उसको अभी डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले जो है मैं इस पर जो हमने बताया था कि थर्ड जो ऑप्शन होता है उससे हमें शेप्स मिलती हैं, तो यहाँ से मैंने एक शेप ले ली। शेप में जैसे ही लेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक आपको स्क्वायर बना मिलेगा। साथ में आप राइट पर देखेंगे तो ऊपर एक यहाँ पर बॉक्स सा है जिस पर कि एरो का ड्रैग डाउन के ऑप्शंस हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारी शेप्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आप कोई भी शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है मैं रेक्टेंगुलर ही ले रही हूँ, आप इसको ड्रैग करके इस प्रकार से ड्रैग करके ले सकते हैं। अभी मैं इसके ओरिजिनल साइज पर ही वर्क कर रही हूँ। साइज आपको जब चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाकर साइज चेंज कर सकते हैं। अभी हम साइज पर भी बात करेंगे। तो ये हमने जो है यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। यहाँ पर इसमें कलर का ऑप्शन होता है। कलर दो तरीके के होते हैं, एक तो कलर आपको नॉर्मल कलर्स मिलते हैं, प्लस बटन पर आपको और बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, और साथ में जो है अगर आप ग्रेडियंट यूज करते हैं तो ग्रेडियंट में इस तरीके के कलर्स होते हैं, दो तीन तरह के कलर्स का मिक्सचर होता है।
तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस साइन करेंगे तो बहुत सारे आप कलर्स के ऑप्शंस बना भी सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसके लिए कलर में जा रही हूँ और ब्लैक कलर लेती हूँ। ये ब्लैक कलर मैंने लिया, देन फिर से मैं शेप को अच्छा। एक बात और कि जब आप कोई चीज बनाते हैं और वो बार बार जो है टच करने से क्या हो जाती है, इधर उधर मूव कर जाती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए आप अगर देखें तो टॉप पर ये इस तरीके का 1 2 3 4 5 6 सिक्स जो ऑप्शन है आपका रोम्बस की तरह डबल रोम्बस से दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आपको फिगर दिखाई दे रही है, साथ में यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, तो आप अगर इसे लॉक क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पोस्टर पे क्या हो गया है, लॉक हो गया है। अब इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हट जाएगा और ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये लॉक हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है हम एक और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं शेप का, हमने रेक्टेंगुलर शेप का सॉरी मैंने उसे सेलेक्ट कर रखा था इसीलिए वो फिर से वर्क करना शुरू कर दिया। उस पर हमने फिर से शेप्स लिया और शेप्स लेकर हमने ये शेप बना दी और इस शेप पर हमने कलर, आप देखेंगे कि अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल गए हैं। तो मैंने इसका कलर ले लिया, अनेबल किया कलर को और कलर को जो भी कलर आप इसमें चाहते हैं वो कलर आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने इस कलर को ऑप्ट कर दिया। इस कलर की अगर आप ओपेसिटी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपेसिटी को करेंगे और अनेबल करके ओपेसिटी देखिए, मैं जैसे ही कम ज्यादा कर रही हूँ, प्लस का भी साइन है, आप धीरे धीरे भी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से ओपेसिटी कम या ज्यादा कर दी। तो हमने ये करके ये आपका इसको भी हम लॉक कर देंगे। सेकंड आप दिखेंगे तो ये इस तरीके का लॉक का ऑप्शन आया, मैंने इस फिगर को भी लॉक कर दिया। देन हम फिर इस पे अब एक और शेप बना लेते हैं। मैंने फिर एक शेप बनाई और इस बार जो मैं शेप ऑप्ट कर रही हूँ वो मैं ये वाली शेप ऑप्ट कर रही हूँ। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको किया। कलर इसमें हम फिल करना चाहते हैं तो कलर मैंने ले लिया कलर। अब की बार मैं ग्रेडियंट कलर ले लेती हूँ कोई, ये मैंने ग्रेडियंट कलर ले लिया। इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब हम इमेज पर वर्क करना चाहते हैं कि हम इमेज इंपोर्ट करें तो इसी थर्ड को आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट करिए और इंपोर्ट में आप इस तरीके से जाएंगे तो एक तो आपका रीसेंट में जो भी आपने है आपकी गैलरी में पिक्स वो दिखाई देंगी, साथ में आप अगर इसके थ्री जो आपको लाइंस शो हो रही है आप उसको क्लिक करें तो वहां पर आपकी इमेजेस ओपन फ्रॉम इमेजेस या फिर आपकी ड्राइव से या आपकी गैलरी से, तो आप गैलरी से भी जाकर जो है अपनी जितनी भी इमेजेस जहां से भी लेना चाहते हैं वो आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट
कर सकते हैं। तो अभी मैं ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो एससीईआरटी का जो लोगो है मैं उसको क्लिक कर रही हूँ। और आपको अनीता जी ने परसों बताया था कि हम किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। हम remove.bg में इमेज को अपलोड करें और वहां पर जो भी इमेज का बैकग्राउंड है उसको हम रिमूव करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका कोई भी इमेज पर हम जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड रिमूव है। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव के साथ मैं इसकी शेप जो है थोड़ा सा इसमें मैं फिर से करती हूँ। इंपोर्ट में आप नीचे की तरफ देखेंगे एक राउंड आ रहा है। वन मिनट ही इंपोर्ट हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट में ये अभी इस पर शो नहीं हो रहा है। एक मिनट ऐसे शो नहीं हो रहा है ये मैं रोटेट यस अबव इधर शो हो रहा है तो हमने इसको ऑप्ट कर लिया। जो सर्कल आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड पर ये सर्कल हमने ऑप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी क्रॉपिंग करेगा वो हमारी राउंड शेप में कर दिया। मैं क्योंकि चाहती थी कि इसका वाइट बैकग्राउंड भी ना दिखाई दे मुझे तो मैंने इसकी क्रॉपिंग के लिए यहाँ आप देखें तो राउंड शेप का लेफ्ट में सबसे बॉटम पर जो शो हो रहा है आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से क्रॉपिंग जो करेगा वो इसकी क्योंकि हमारा राउंड लोगो है हमने इसको ऑप्ट करके और यहाँ से राइट बटन क्लिक कर दिया। अब आप इसको शेप अगर नहीं अच्छी लग रही है तो हम इस शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। थोड़ा सा शेप सही नहीं लग रहा था मैं कोई और शेप देती हूँ। चलिए हम इसी शेप को ले लेते हैं और इस शेप में हम जो है इसके रेडियस को सेट करेंगे। तो इसके रेडियस का मतलब होता है कि किनारे से कटिंग को सेट करना। तो जैसे करेंगे तो देखिए ये किनारे से इसकी कटिंग जो हो गए वो सेट हो गई हैं। तो इसको हम वर्क करते हैं। अभी मैं इस पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने इस पर वर्क किया और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब इसकी कलर हम फिर से ले लेते हैं। इसका कलर वही ग्रेडियंट कलर लेती हूं मैं और ग्रेडियंट में वही पर्पल शेड हमने ले लिया। अब इस पर्पल शेप में हमने क्योंकि हम ये इमेज देखे ये अब इमेज पहले से ली हुई थी तो इसके बैक में आ रही है तो मैं इस इमेज को इस शेप के फ्रंट में करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर आप राइट पर एक ऑप्शन देखेंगे टू फ्रंट और टू बैक तो हम इसे टू फ्रंट कर देंगे। तो देखिए ये टू फ्रंट पे हो गई और अगर हम टू बैक करेंगे तो ये बैक में आ जाएगी। तो मैं इसे टू फ्रंट करके यहाँ पर इसे प्लेस कर दे रही हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमें एक इमेज और लगानी है तो हमने यहाँ पर फिर से इसको हम सबको लॉक कर देते हैं और हम फिर जाते हैं अपने इंपोर्ट पर और इंपोर्ट पर हमने ये इमेज को क्लिक किया और इसके साइज जितना भी हमें जैसे भी करना है क्रॉपिंग वो क्रॉपिंग हमने कर दी और क्रॉपिंग करने के बाद ओके और इस इमेज को हम यहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं। ये हमने इमेज प्लेस कर दी और इसको भी हम क्या कर रहे हैं लॉक कर रहे हैं जिससे कि ये हमारी मूव ना हो बाद में। फिर से अगर आपको इसको मूव करना है तो आप इसकी लॉकिंग को हटा दें और फिर से इसे आप आगे पीछे जैसा चाहते हैं वैसा मूव कर सकते हैं।
देन हम इस पर अब कुछ लिखना चाहते हैं। लिखने के लिए टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपका सेकंड ऑप्शन है, तो इस टेक्स्ट पर वर्क करने के लिए आपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक तो प्री डिफाइंड हमको स्टाइल्स मिलते हैं, आप ब्राउज करके बहुत सारे स्टाइल्स इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं, या एडिट में जाएंगे तो आप इस टेक्स्ट पर जो भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट लिख सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, इसको टू फ्रंट और टू बैक जिसके भी इमेज के आगे या इमेज से बैक में रखना चाहते हैं, तो इसकी अभी हम पोजीशन, इसका साइज, इसकी पैडिंग, कलर, ये अभी हम सब चेंज करना सीखेंगे। तो पहले मैं इसमें टेक्स्ट में ऐड कर देती हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे या एडिट का ऑप्शन लेंगे तो ये आपको एडिट करने के लिए ये कीबोर्ड पर आपको शो करेगा। तो आपने लिख दिया कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप, नेक्स्ट लाइन से हमने लिखा ऑर्गेनाइज्ड बाय एससीईआरटी यूपी, डन कर दिया, ओके किया। देखिए अब आपका ये आ गया। अब हम सबसे पहले जो है इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ जैसे ही आप इसको सेलेक्ट रखते हैं तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपने यहाँ पर ये कलर लिखा हुआ मिलता है आपको, आपने कलर आपने ऑप्ट किया। अभी मैं कलर में इसमें कलर जो करना चाहती हूँ वो ब्लैक करना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि नीचे सिलेक्शन का पोर्शन भी आ रहा है, आप चाहें तो इसके आधे पोर्शन को किसी और कलर से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंड हाफ को किसी और से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं पूरा इसे ब्लैक करना रखना चाहती हूँ, तो मैंने इसे ब्लैक ऑप्ट कर लिया है, और ब्लैक ऑप्ट करने के बाद मैंने राइट बटन क्लिक किया, ओके। अब मैं इसका साइज और फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो पहले हम फॉन्ट पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट एबी फॉन्ट, आप फॉन्ट में जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, फॉन्ट से हम अब सब वाकिफ हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर अमरनाथ बोल्ड लिया और ओके कर दिया, थोड़ा बोल्ड में नजर आया। स्टाइल में आपका आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं या इटैलिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं या बोल्ड में, तो जैसा कि हम अपनी वर्ड में काम करते आ रहे हैं एक्सेल में, अब इन सारे ऑप्शन से हम अवेयर हो चुके हैं, तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं और हमने राइट क्लिक कर दिया। तो अब इसका साइज, साइज के लिए आपको एक टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी करके मिलता है, जैसे कि वर्ड में स्मॉल ए कैपिटल ए मिलता है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो वहां आपको इस तरीके से साइज चेंज करने के लिए एक ड्रैगिंग का ऑप्शन मिलता है और नंबर्स मिलते हैं। आप चाहे तो अपनी फिंगर से इसको ड्रैगिंग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं साइज को, या फिर आप प्लस बटन से इसको क्लिक करके स्मॉल या बिग कर सकते हैं उस फॉन्ट को। हमने ओके किया, हम इतना ही चाहते हैं। देन हम इसको अलाइन करना चाहते हैं कि मेरी सारी जो अलाइनमेंट है इसका वो मिड में आना चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाइन का, आप उस अलाइन को क्लिक करेंगे और उसको बीच में देखिए, एक तो है लेफ्ट अलाइन और एक है राइट अलाइन और बीच में है मिड का सेंटर अलाइन, और एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई कि पूरी सभी जगह वो जितने भी उस पे वो टेक्स्ट का फील्ड है उस टेक्स्ट फील्ड में वो पूरा जस्टिफाई होकर आ जाए। तो हमें अभी मिड में चाहिए, सेंटर चाहिए, तो हमने इसको सेंटर ऑप्ट किया और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में हमारा आ गया। फिर एक होता है स्पेसिंग, हमारे लेटर्स के बीच की स्पेसिंग, आप जितना इसको इंक्रीज करते जाएंगे लेटर के की स्पेसिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक होता है लाइन की स्पेसिंग, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो लाइन के बीच में अगर आप स्पेसिंग चाहते हैं तो जीरो से होता है, आप प्लस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे ये लाइन स्पेसिंग आती जाएगी। तो आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो और इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं देख रही हूँ ये ऑर्गेनाइज बाय एससीईआरटी यूपी अलग अलग सा दिख रहा है, यूपी अलग, तो आप इसको फिर से एडिट में आएंगे और
यहाँ पर फिर एडिटिंग कर सकते हैं और डन कर दिया, ओके किया, तो हमारा देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है। तो हमने इस प्रकार से इसकी सेटिंग कर ली। अब हम इसकी और भी चाहते हैं, इसकी जो आउटर लाइन है वो स्ट्रोकिंग के द्वारा दी है, इसमें शेडो करना चाहते हैं, इसमें इनर शेडो देना चाहते हैं, एम्बॉस करना चाहते हैं, 3D टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं। अगर हम इसे 3D टेक्स्ट में एनेबल करेंगे तो देखिए थोड़ा सा इसकी डेप्थ को अगर बढ़ा दें, थोड़ा ये ब्लैक में है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कलर अगर आप चेंज करें, मान लिया रेड कलर कर दिया हमने इसका, तो आपका 3D का रेड में ही थोड़ा ये अभी बढ़ा के देखिए, ये इस तरीके से 3D फॉर्म में ये इसके बैक कलर जो है वो शो होंगे। तो अभी मैं इसमें 3D का इफेक्ट नहीं देना चाहती हूँ। मैंने जो है स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक को हम क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद हम जिस भी कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं, मान लिया व्हाइट, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। पिंक या तो थोड़ा हल्का लाइट इसका पिंक जो है आउटर लाइन दिखाई देगी, रेड में इस तरीके से आपको आउटर लाइन दिखाई देगी। तो हमने जो है इसे अभी रेड में ही रख दिया है। आप जो कलर चूज करना चाहते हैं वो इसमें ग्रेडियंट के भी कलर होते हैं, आपने ग्रेडियंट के भी कलर आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जो है सिर्फ कलर रेड में रखना चाह रहे हैं, हमने इसको ओके किया। अब आता है एक ऑप्शन, रिफ्लेक्शन का भी होता है, आप इसमें रिफ्लेक्शन अनेबल कर देंगे तो देखिए नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ रहा है। आप वर्टिकल ऑफसेट इसे जितना मर्जी ऊपर नीचे या नीचे करना चाहते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आप इसमें दे सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन में अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं, अंडू कर देती हूँ। आप जैसे आप जानते हैं कि जो एक्शन हम नहीं चाहते हैं तो उसे हम अंडू करके रख सकते हैं। देन एक आता है इसमें मास्किंग, आप इसे कर्व फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसको कर्व को जितना आप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी लाइंस में बड़ा है, तो उतना देखिए इस तरीके से आपका ये जहां पर भी आप इसको शो करना चाहते हैं तो कर्व फॉर्मेट में भी आपको ये शो कर सकते हैं। अभी हम इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। देन आता है मास्किंग, मास्किंग से जितना भी लेटर आप डिलीट करना चाहते हैं, मास्क मतलब करना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरीके से होता है, आप इसकी आपने ये इतना जो लेटर है हमारा देखेंगे तो डिलीट हो गया, मास्क हो गया, तो हम इसे अभी नहीं करना चाहते हैं। शेप्स पर मास्किंग बहुत अच्छे से काम करती है। अब इसका होता है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड आप अगर अनेबल करेंगे तो जो भी कलर ऑप्ट करेंगे आप, मान लिया मैंने व्हाइट कलर से किया तो वो बैकग्राउंड आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब आता है लेफ्ट पैडिंग, तो लेफ्ट पैडिंग आप नहीं रखना चाहते हैं, जैसे देखिए इसे कहते हैं कि बैकग्राउंड और उसके बीच में पैडिंग, मतलब आपके जो लेटर्स हैं और जो आपका बैकग्राउंड है उसके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए उसे हम पैडिंग बोलते हैं। तो हमने लेफ्ट से ये पैडिंग कर दी, राइट से भी ये पैडिंग कर दी। तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, चाहे वो फिर ट्रांसपेरेंट हो या फिर आपका कोई कलर बैकग्राउंड हो, तो उसको उसके बीच और लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ ही वो आप यहाँ से भी एक ऑप्शन होता है पैडिंग का, आपको दिखाई देगा, तो वो भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आता है रिलेटिव पोजिशन, आप इसे अगर ऊपर है देखिए मिड में आ गया, लेफ्ट में लेना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, बॉटम में, इधर, तो जहां भी आप इसको रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर रिलेटिव पोजीशंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो है ऑप्शंस हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने एक बताया था टेक्सचर, तो टेक्सचर के लिए मैं आपको एक अलग से और टेक्सचर लिखकर तब बताती हूँ कि टेक्सचर किस तरीके से दिया जाता है। हम इसको यहीं पर अभी छोड़ देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं।
लॉक करने से ये होता है कि हमारा जहां पर ये है वहीं पर ये रहेगा। थोड़ा सा भी इसको और यस, अब हमने इसको लॉक कर दिया। अब मैं आपको बात कर रही थी कि एक और टेक्सचर पर काम करने के लिए हमने एक ऐड किया टेक्स्ट, हमने लिखा, इसमें एडिट में जाकर भी कर सकते हैं और या फिर आप इसको डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं, एस सी ई आर टी, एस सी आर टी, ओके, एस सी आर टी में हमने जो है इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका फॉन्ट भी हमने थोड़ा बड़ा चेंज किया, ठीक है, टेक्स्ट को और इंक्रीज कर लेते हैं, अब इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, इनसाइड द टेक्स्ट आई वांट टू प्लेस द इमेज, तो मैं उस इमेज को इंसर्ट करने के लिए टेक्सचर का यूज करूंगी। तो टेक्सचर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, दिस इज रिटन टेक्सचर, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी ये दिखा रहा है नो टेक्सचर, आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे इससे और जो भी इमेज आप इसमें प्लेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। मान लिया मैंने इस गर्ल की ही पिक को, इसको हम इतना भी क्रॉपिंग करना चाहते हैं वो क्रॉपिंग कर दी मैंने और ओके। आप अगर ध्यान से देखें तो इस फिगर के अंदर जो है आपका उस गर्ल का जो है पिक दिखाई दे रहा है, स्केलिंग कर सकते हैं आप इसकी, देखिए तो वो जो पिक है, तो ये जो है जब हम टेक्स्ट को बड़े फॉर्मेट में लेते हैं तो हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अभी हम इस पर कुछ वर्क नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी आप इसमें और भी, मैंने आपको इसमें बताया, आप इसमें चाहें तो हम अगर स्टिकर्स रखना चाहते हैं तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा बैकग्राउंड का है, थर्ड ऑप्शन में ही हमारे स्टिकर्स मिलते हैं, तो आप स्टिकर्स को यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। आप इस तरीके का अगर चाहते हैं कोई स्टिकर्स रखना, अगर हम बर्थडे के कोई वो बनाना चाहते हैं, ग्रीटिंग्स बनाना चाहते हैं, व्हाटएवर वी वांट, तो हम यहाँ पर वो स्टिकर्स हम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टिकर ले लिया, ओके, अब मैं इसके साथ जैसे ही आप देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं फिर से आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमने इसकी 3D शेप वगैरह जो भी चेंज करनी है वो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो है इसका कलर, मान लिया कलर इसका ऑप्ट किया और हमने इस पे ओके रेड कलर ही ले लिया। साथ में इसका होता है पर्सपेक्टिव, यानी कि इस पर्सपेक्टिव को हम अगर आगे पीछे मूव करें, अनेबल करें और अनेबल करके इसको आगे पीछे जैसे मूव करें, तो अगर हम इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, अभी इसका मैं एक ऑप्शन आपको और बताऊंगी पर्सपेक्टिव में हम किस तरीके से इमेजेस का और हमारे टेक्स्ट पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने अभी स्टिकर्स पे किया, तो इस तरीके से आप जैसे चाहते हैं तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ये पर्सपेक्टिव से आप इसकी इसके एंगल को कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर एक रोटेट का भी ऑप्शन मिलता है, आप इस फिगर को जितना भी रोटेट करना चाहते हैं, देखिए जितना भी एंगल से आप रोटेट करेंगे ये उतने एंगल से क्या हो जाएगा, ऐसे ही टेक्स्ट भी रोटेट हो सकता है, ऐसे ही इमेजेस भी रोटेट हो सकती हैं। तो इस पर अब आप कोई अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं
तो वो टेक्स्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लिया मैंने डेट और डे देना है, डे तो ये डे जो है मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ, प्लेस कर सकती हूँ, और डे के ऊपर और जो भी टेक्स्ट के चेंजेस हैं वो मैं कर सकती हूँ। अब जैसे इस डे पर ही है, हम इसके भी पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं तो इसको पर्सपेक्टिव को लेंगे और इस तरीके से चेंज एनेबल कर देंगे पहले, और इस तरीके से हम अपनी अकॉर्डिंग टू आर इमेज, अकॉर्डिंग टू आर टेक्स्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर, तो मैंने इस तरीके से पर्सपेक्टिव की सेटिंग कर दी। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ कहीं भी वो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस बताए थे आपको टेक्स्ट पर वर्क करने के, आपको स्टिकर्स पर वर्क करने के, और हमारा अब हम आते हैं फर्स्ट पर। जो हमने फर्स्ट आपको ये बताया था कि हमारी इमेजेस दिखेंगी हमारा, अब हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार का किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप किसी पर वर्क प्लेस करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आता है, तो आप थोड़ी देर वेट करके उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो हम इस तरीके के ऑप्शन पर वर्क करेंगे कि हम किस तरीके से इस तरीके का पोस्टर बना सकते हैं। तो इस तरीके का पोस्टर बनाने के लिए मैंने फिर वही एक डिफॉल्ट ले लेती हूँ, हमने इस टेक्स्ट की अभी जरूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हम इमेज लेते हैं, इमेज को इंपोर्ट किया, ये इमेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, और इस इमेज का हमने साइज पूरा यही रखा है, और ये इमेज जितनी हमारी आ रही है हमने इसको अकॉर्डिंग टू द रेशियो हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ये हमारी इमेज प्लेस हो गई है, और नीचे आपको लग रहा है कि स्पेस खाली है तो आप साइज को भी चेंज कर सकते हो। तो आप साइज चेंज करने के लिए फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन में आपका इमेज साइज, आप यहां देखेंगे इमेज साइज, इमेज साइज में आपको प्री सेट मिलते हैं। कस्टम साइज आपका देखेंगे तो 1280x1280 होता है, बाकी स्क्वायर साइज में चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर साइज में चाहिए, यूट्यूब चैनल के बैनर के लिए चाहिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए, फेसबुक के कवर आर्ट के लिए, या गूगल प्लस या ट्विटर के लिए, तो वॉट एवर यू वॉन्ट आप उसको ले सकते हैं। प्लस आप इसे रेशियो में भी ले सकते हैं, जैसे कि आप 2x3 का, 4x3 का, 4x5 का, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मुझे क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा लग रही है तो मैंने जो है इसको 1000x1000 कर दिया। देखिए ये मेरी इमेज प्लेस हो गई है इस पर, और मैंने इसकी लॉकिंग कर दी कि ये हमारा जो है अब यहां से मूव ना हो। अब इस इमेज पर आपने देखा होगा कि मैंने अपनी पिक यहाँ पर सेट की थी और टेक्स्ट ऐड किया था इस मॉनिटर पर। तो इस मॉनिटर पर पहले मैं अपना टेक्स्ट सेट करती हूँ, तो मैंने टेक्स्ट को ऐड किया और वही लिखा, क्योंकि हम आजकल बात कर रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप की, तो ज्यादातर वही हमारे ध्यान में आता है, कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप। Done. तो आप इसको अभी आप इसका जो है कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने कलर ले लिया इसका, रेड ऑप्ट कर लिया, इसका साइज बोल्ड में ले लिया, इसका फॉन्ट मैंने कोई भी ऑप्ट किया, मैंने इस पर मैंने स्ट्रोक्स दिए अनेबल करके, स्ट्रोक्स मैंने व्हाइट के नहीं, व्हाइट नहीं ब्लू वर्क कर लिया, जो भी आपको अच्छा लगे
शेडोज में आपने एनेबल कर दिया, तो शेडोज के लिए आपने ये ही शेडो का ले लिया, वट एवर यू वॉन्ट। 3D में अगर रखना है रिफ्लेक्शन, 3D शेडो देनी है, तो वो हमारा इतना वर्क करता नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पर ये, अब देखिए ये हमारे अकॉर्डिंग टू मॉनिटर प्लेस नहीं हो पा रहा है, अलग सा लग रहा है, तो इसको अकॉर्डिंग टू मॉनिटर प्लेस करने के लिए हम परस्पेक्टिव का यूज करेंगे। परस्पेक्टिव को क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे और हम इसकी अब हाथों से सेटिंग करेंगे। अभी मैं इसका अलाइन भी चेंज कर देती हूँ, अलाइन मिड में कर देती हूँ और फिर से हम इसका परस्पेक्टिव चेंज करते हैं थोड़ा सा। इसकी जितना आप वर्क करेंगे उतना आप इसकी सेटिंग को कर पाएंगे। अभी हम भी सीख ही रहे हैं। तो ये हमने ओके करने पर ये वर्कशॉप इस तरीके से लिटरेसी वर्कशॉप लिखा हुआ आया और साथ में जो है हम इस पर इमेज को भी हम कैप्ट करना चाहते हैं, तो इमेज को हमने इंपोर्ट किया वही हमारे थर्ड पॉलीगन टूल से और हमने एक इमेज ले ली। इमेज हम कोई भी ले सकते हैं, अब ये इमेज देखिए थोड़ा राइट साइड को मूव करते हुए है, तो आप इसकी सेटिंग जो है लेफ्ट में चाहते हैं, सॉरी, तो हमने फिर से इंपोर्ट कर लिया इसे। और हम इसे लेफ्ट साइड को इसका फेस चाहते हैं, तो इसके हमने मूवमेंट कर दिया, देखिए मूवमेंट होने पर ये लेफ्ट पे घूम गई। अब हम इसको ओके कर देंगे और यहां से क्रॉपिंग जितनी मुझे चाहिए उतनी क्रॉपिंग करके ओके। अब मैं इसे प्लेस करना चाहती हूँ इस लैपटॉप पर, सॉरी इस मॉनिटर पर, तो ये उतना अच्छे से करा आपने तो उतना बढ़िया देखे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इसका भी क्या, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ भी देखिए जो इमेज होती है उसके साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इसका फिर से पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे और पर्सपेक्टिव को एनेबल करके आप इसके इस तरीके से मूवमेंट देंगे, तो ये बिल्कुल इस तरीके से मिला देंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे सिस्टम पर ही ये जो है इमेज प्लेस हुई है ऑलरेडी, हमने अलग से नहीं की है। तो हमने ओके किया और इसको देखा तो आप देखेंगे कि ये इमेज बिल्कुल लग रहा है कि इसी पर, इसी से निकलकर आ रही है। थोड़ी सी सेटिंग आप करें तो ये बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। फिर से मैं करती हूँ, तो इसको ओके कर दिया। फिर वही है, हमको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी वर्क करना है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसके कलर को थोड़ा विग्नेट किया, तो हमने इसका लिया, विग्नेट में गए, हमने अनेबल किया और विग्नेट में कलर मैंने जो है कुछ ये वाला ले लिया, तो देखिए एकदम से आपके पोस्टर पे एक न्यू लुक आ जाता है। आप जो भी कलर है वो विग्नेट से आप देखेंगे बीच का येलोइश सा आ गया और साइड में पर्पलिश कलर में ये शो होने लगी। तो आप इस तरीके से आप किसी इमेज के अंदर भी अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और इमेज को ऐड करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। सेचुरेशन है, सेचुरेशन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, तो वट एवर वर्क यू वॉन्ट आप उसे कर सकते हैं। फिगर को रोटेट करना, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने पर्सपेक्टिव दोनों इमेजेस पर भी सीखा, क्योंकि यही मेन होता है, बाकी तो हम ऑप्शन इसमें पता लग जाते हैं हमको, और टेक्स्ट पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इमेजेस पर भी कर सकते हैं, शेप्स पर भी कर सकते हैं। तो मैं एक शेप पर आपको बताती हूँ,
Again, I am taking a new one. Yes, हमने एक नया ले लिया. आप चाहें तो इसकी इमेज को यहां पर भी देखेंगे. थ्री डॉट्स आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं. यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज. तो यहाँ से भी आप इमेज साइज को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं. तो मैंने जो लिया है मैं 3x4 का ले लेती हूँ. ओके, 3x4 मैंने लिया. अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो बैकग्राउंड में जाकर मैं इसके कलर को चेंज कर लेती हूँ. कलर में मैं ऑप्ट कर रही हूँ इसका कलर, लेट ऑप्ट ब्लैक. ग्रेडियंट था, आई एम ऑप्टिंग ब्लैक और लाइट ब्लैक. ग्रेश आई वो वन मिनट. ओके किया हमने. अब मैं इस पर आपके संग शेप्स के साथ हम किस तरीके से हम जो है पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हैं और ओपेसिटी से हम किस प्रकार से वर्किंग कर सकते हैं वो आपको बताती हूँ. तो फिर वही थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे, इमेजेस को लेंगे. ये मेरी एक इमेज है, सॉरी शेप है. इस शेप को मैंने कलर लिया, मैंने इसका मान लिया रेड ले लिया. और रेड लेने के बाद ठीक है, इसका रेड कलर ऑप्ट करने के बाद जो है हम इसके रोटेट में गए. रोटेट किया हमने इसको, रोटेट किया. और रोटेट करने के बाद हमने इसे इस तरीके से किया. फिर इसकी एक कॉपी हमने बना ली. कॉपी बनाने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं. जो सेकंड वन मैंने ऑप्ट किया है उसकी ओपेसिटी को हम डिक्रीज कर देते हैं. और इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक में दिखाई देता है. आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ओपेसिटी और इंक्रीज कर लेते हैं. तो देखेंगे इस तरीके से ये वर्किंग में दिखाई देता है. और साथ में एक और शेप हम यूज करते हैं. हमें इस तरह की शेप बनानी है. आप जो भी रेक्टर स्क्वायर है उससे कोई भी शेप आप बना सकते हैं. इसको फिर से हम रोटेट कर लेते हैं. थोड़ा सा मेरा टच स्क्रीन वर्क तो इस तरीके से. फिर एक और शेप दे लेते हैं. इसका कलर में जो है इसको भी हम रोटेट कर देते हैं.
इसका एक और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये बहुत ही डिफरेंट लुक में आपका जो है पोस्टर का बैकग्राउंड बन गया। अब आप इस पे टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप इसमें कोई फोटो इमेजेस अपने स्कूल के बच्चों के इंसर्ट करना चाहें, व्हाटएवर लुक। जी जी हाँ बताएं मैम। हेलो अनम्यूट करें। ओके ओके बहुत देर से आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं अब अनम्यूट है, ये वाला अनम्यूट है, दो जगह है ना अनम्यूट है, जिसमें मैं बोल रही हूं वो अनम्यूट है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? हो रही है मैम। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अनीता मैम बताएं। हेलो ओके थैंक यू मैम। तो हम बात कर रहे थे, मेरा स्क्रीन भी शो हो रहा होगा? जी जी तो हम ये प्रोफेशनल तरीके के, इस तरीके के हम यहाँ पर बना सकते हैं, इन पर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, इस पर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके का एक और अगर आप सीखना चाहें तो पर्सपेक्टिव को लेकर हम भी बना सकते हैं। हमने कोई इमेज लिया और इमेज हमने कलर लिया उसका, मान लिया चलिए इसी कलर का ले लेते हैं अभी, और हमने इसको ओके आई एम टेकिंग ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल ले लिया है और ट्राइंगल लेकर हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, और अब हम इस पर करेंगे पर्सपेक्टिव का यूज। इसका मतलब है बैकग्राउंड को हम किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अनेबल किया और देखिए आप इस तरीके से भी देखेंगे कि इस तरीके से प्रोफेशनल लुक देते हुए आप इसकी एक कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए और ये आपका इस तरीके का लुक आ गया। तो इस तरीके से आप जो है अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी इस पे वर्किंग कर सकते हैं, और पर्सपेक्टिव के द्वारा आप कहीं भी कोई भी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। मान लिया यही इमेज है मेरी, ये इमेज है, ये मेरी सेट हो गई। मान लिया इसको मैं लॉक कर देती हूँ, लॉकिंग जरूरी हो जाती है क्योंकि फिर नहीं तो वो मूव करने लगता है जब हम टच स्क्रीन करते हैं। तो ये मैं अभी डिलीट कर देती हूँ और ये हमारा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये हमारा कुछ इस तरीके से हो कि इससे कोई डिजाइनिंग हमारी बन जाए, तो मैंने पर्सपेक्टिव का फिर यूज किया।
एनेबल किया पहले, सॉरी, और तो आप इस तरीके से देखिए बन गया। तो हम कोई भी डिजाइनिंग जो है 3D लुक इसमें दे सकते हैं अपनी शेप्स के साथ। तो ये हमने वर्किंग की। अब हम आते हैं कि बैकग्राउंड इमेजेस यूज करके हम किस तरीके से क्रोमा की का भी यूज इसमें कर सकते हैं। क्रोमा की कैसे बन सकती है, हमारे इमेजेस का बैकग्राउंड कैसे रिमूव हो सकता है। तो इसके लिए फिर से मैं एक डिफॉल्ट में एक स्क्रीन लेती हूँ, एक सॉरी बैकग्राउंड लेती हूँ। मैंने ये बैकग्राउंड लिया और अब मैंने एक इमेज को यहां से इंपोर्ट किया। इमेज लिया, बैकग्राउंड इमेज, सॉरी, फ्रॉम गैलरी। गैलरी से मैंने मान लिया एक इमेज की ले ली, ठीक है, ये फुल इमेज है मेरी। ओके, ये मेरी फुल इमेज इस पर आ गई है मेरे बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड पर इमेज लेने के लिए आप जो है फोर्थ ऑप्शन बैक जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन में फ्रॉम गैलरी, अगर आपको गैलरी से लेनी है तो आप फ्रॉम गैलरी से लेंगे। और बाय डिफॉल्ट पिक्सल लैब में अगर कोई इमेज लेनी है तो उसे इमेज का होता है। अब जैसे कि अगर हमें कुछ लिखा हुआ दिखाना है तो इस तरह कॉपी का इमेज, इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं बने बनाए, तो आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने इमेज कहाँ से लिया, फ्रॉम गैलरी। आप कैमरे से कोई इमेज लेना चाहते हैं कि तुरंत आप कैमरे के सामने जो भी है तो उसका अगर इमेज लेना चाहते हैं तो आप वहां पर फ्रॉम कैमरा ऑप्ट करेंगे। अब हमने जब इस इमेज को लिया, एक अब हम इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर एक और इमेज, मान लिया ये, ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। जो भी आप इसका जितना भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो बैकग्राउंड हमने ले लिया। अब हमने यहां पर जब भी इस इमेज को आपने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि इसके साथ फिर हमें ऑप्शन मिल रही हैं। और यहां पर एक ऑप्शन है इरेज कलर, इरेज कलर, कलर को हटाना। हमने उसको क्लिक किया, अनेबल किया। अनेबल करने पर हमने पिक कलर, यहाँ पर जैसे कि हम पेंट में पिक कलर का यूज करते हैं आपने देखा होगा, तो हमने पिक कलर को यहाँ पर लिया और जो भी कलर हमें पिक करना है वो हमने पिक कर लिया, ठीक है। पिक कलर हो गया हमारा सेलेक्ट और आप देखेंगे कि कलर पिक हो जो है वो क्या हो चुका है, बैकग्राउंड से हट चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर अभी हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसके जो है टॉलरेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। टॉलरेंस इतनी इंक्रीज करेंगे कि हमारा ग्रीन कलर ही रिमूव हो और हम स्मूथ एजेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का जो ग्रीन कलर था तो क्रोमा की जैसे हमने काइन मास्टर में यूज किया, ओपन शॉट में यूज किया, तो उस तरीके से आप यहाँ पर इमेजेस में भी कोई भी अगर ग्रीन कलर बैकग्राउंड है और उसे किसी और दूसरे बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं तो आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और इस इमेज को फिर मैं जितना भी छोटा बड़ा करना चाहूँ वो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, उसको रोटेट भी कर सकती हूँ। रोटेट करने पर एंगल आप बढ़ा दें तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो ऐसा लग रहा है हवा में आपका एरोप्लेन रोटेट कर रहा है। साथ में और भी अभी इसमें अगर और इमेजेस को आपको इंसर्ट करना है, हम इसको फिर से एक बार लॉक कर लेंगे। और हमने फिर एक बार इंपोर्ट की इमेज को, इंपोर्ट इमेज करने के बाद हमने ये पक्षियों की, आपको ये इमेजेस जो है आप जैसे ही ब्राउजर में करेंगे कि क्रोमा ग्रीन बैकग्राउंड इमेजेस तो आपको वहां पर मिल जाएंगी। ये बहुत सारी इमेजेस आपको वहां पे मिलेंगी, आप एनिमल्स की चाहते हैं, बर्ड्स की चाहते हैं, एरोप्लेन की चाहते हैं, जिस सिटी की चाहते हैं तो वो आप वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें से ग्रीन कलर का रिमूव करेंगे, इरेज कलर पर जाएंगे, एनेबल करेंगे, कलर को पिक करेंगे। हमारा कलर पिक हो चुका है
और ओके किया। अब देखिए ओके होने के बाद थोड़ा सा अभी दिखाई दे रहा है, तो हम जो है इसकी टॉलरेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे। कलर उतना अच्छे से पिक हो नहीं पाया है ये, तो देखिए और इसकी स्मूथ एजेस कर देंगे। तो दिख रहा है कि आकाश पे थोड़े से पक्षी जो है वो क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। पिक्चर जितनी क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे पक्षी काफी छोटे थे तो वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं वो ये इसमें कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को इसमें काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और जहां तक है आप इन सब का स्ट्रिप्स में डालना चाहते हैं, तो स्ट्रिप्स जैसे ही एनेबल करेंगे तो आपके जो बैकग्राउंड है उस पर क्या आ जाएगा, स्ट्रिप्स आ जाएंगी। तो जो भी वर्किंग आप करना चाहते हैं यहाँ पर वो यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो क्रॉस कर दीजिए या फिर अंडू कर दीजिए, तो वो वर्किंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्शन अंडू हो जाएगा। सेव के लिए, शेयरिंग के लिए, अगर मुझे शेयर करना है इसको तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में सेव करना सीखते हैं कि हमने यहाँ पर देखे, इसको क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। तो सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, आप उसमें नाम रख दीजिए कोई भी। मान लिया मैंने रखा प्रोजेक्ट सेशन, डन कर दिया, बड़ा नाम। ओके, तो थोड़ा सा जब ये सेव करता है तो एड्स आते हैं इसमें, कोई बात नहीं, एक आदमी सेकंड का वेट कर लीजिए। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया है, सेव हो गया है। अगर हम इसे एज अ गैलरी में इमेज के तौर पर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज इमेज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है इमेज फॉर्मेट और क्वालिटी। तो मोस्टली आप जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो जेपीजी में, मैं पीएनजी में सेव करती हूँ। और इसकी क्वालिटी डिफॉल्ट है, कस्टम है, लो है ज्यादातर, तो हम अल्ट्रा ले लेते हैं और अल्ट्रा में इसको सेव टू गैलरी कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपकी गैलरी में आपको सेव मिलेगा। देन आपके पास इसका शेयरिंग का भी ऑप्शन है, आप जिस भी फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं और साथ में शेयर इमेज को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर फाइल्स विद डिवाइसेस टर्न ऑन करके आप इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयरिंग के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर भी आपको सेव एज इमेज में भी जाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, शेयरिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। साइड में आप देखेंगे फेसबुक पर शेयरिंग करनी है या आपको एज अ स्टोरी न्यूज फीड की तरह, तो जो भी आपको यहाँ पर शेयरिंग करनी है जिस तरीके से भी उस प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। एक होता है ग्रेडिंग बनाने का, ग्रेडिंग बनाने के लिए जब कभी हमें इमेजेस को बहुत ही सेटिंग्स अच्छे से लानी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर इस ग्रेडिंग का यूज करते हैं। तो ये ऑल अबाउट था हमारे रिलेटेड टू हमारे पिक्सल लैब के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को जो है पिक्सल लैब की जानकारी हो गई होगी। और जैसा कि मैंने इंस्टॉल करने के लिए इसे बताया था तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर आप जो है पिक्सल लैब लिखेंगे और पिक्सल लैब लिखने पर आपको इस तरीके का जो है वो मिलेगा, आइकन दिखाई देता है और आप इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल है तो ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, और अगर इंस्टॉल नहीं होता तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाता है, जैसा कि आप सभी करना जानते हैं। वो तो आप पिक्सल लैब को अपने उस पर करके और आप इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।
हेलो, यस, थैंक्स एवरीवन, यस थैंक्स एवरीवन। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। शिवाली मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैम, एक विकास शर्मा जी का क्वेश्चन है आगरा से कि व्हाट इज मास्किंग। हाँ, मास्किंग से हमारे पास अगर कोई शेप है, कोई टेक्स्ट है, तो हम जो है जितना पोर्शन उसमें रखना चाहते हैं, जैसे कर्व वगैरह लाना चाहते हैं, सॉरी मैं भूल गई उसको बताना, तो उसको हम जो है मास्किंग के द्वारा जो है उसमें कर्व ला सकते हैं। तो जितना भी हम उसमें शेप अपने हाथ से देंगे, मास्किंग का वो ऑप्ट करेंगे, तो वो वहाँ पर जो है उतना जो है पोर्शन हमारे शेप से या हमारे टेक्स्ट से या हमारी इमेज से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो आईडी कार्ड वगैरह जब हम बनाते हैं, आईडी कार्ड का एक्चुअली सेशन हो चुका है और वो बहुत बेहतरीन सेशन था, तो इसीलिए हमने आज आईडी कार्ड बताया नहीं। आईडी कार्ड भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, और आईडी कार्ड में कभी कभी हम चाहते हैं कि ऊपर का हमारा कर्व फॉर्म में हमारा कुछ ऊपर का बॉर्डर दिखाई दे, तो उसके लिए जो है हम मास्किंग का बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका छोटे छोटे वीडियोस में आपको मास्किंग का बता दें। यस जी, तिरंगा बनाना हो तो कैसे बनाएं? सर, तिरंगा बनाने के लिए आप शेप्स का यूज करेंगे, और शेप्स में पर्सपेक्टिव का यूज करते हुए अपनी फिंगर्स के द्वारा आपको खुद क्रिएटिविटी करनी है उसमें, कि आप फिंगर्स को यूज करते हुए उसको लहराता हुआ दिखाएं। सीधा सीधा तो आपका बॉर्डर वाइज तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा तिरंगा जो है वो लहराता हुआ दिखाई दे, कर्व्स दिखाई दे, तो उसके लिए आप पर्सपेक्टिव का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एंगल से उस जो रेक्टेंगल है उसको आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आपके हैंड वर्क का कमाल होता है। अभी हम भी सीख रहे हैं, तो हम भी उतने अभी इसमें परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो हम देखिए प्रैक्टिस से होते हैं। कॉपी बनाने के लिए आपके पास आप जो भी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आपने शेप सेलेक्ट की हुई है, या आपने कोई इमेज सेलेक्ट की हुई है, तो आप देखेंगे कि राइट पर उसके ऑप्शंस आते हैं कॉपी या डिलीट। तो आप वहां पर कॉपी जैसे ही करेंगे, जैसे ही उस कॉपी बटन को क्लिक करेंगे, वैसे ही आपकी एक कॉपी बनकर वहां पर आ जाती है। अभी मैंने लैपटॉप पर इसका यूज़ नहीं किया है, पिक्सल लैब का। अगर मेरे किसी साथी ने यूज़ किया हो तो वो बता देंगे, लेकिन मैंने अभी इसको मोबाइल पर ही यूज़ किया है। हम लोगों ने भी काइन मास्टर और पिक्सल लैब, अभी काइन मास्टर का तो मैं आई नो कि वो लैपटॉप पे यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका अभी हमें नहीं पता है। मैम, देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेजियर मोड? बेजियर मोड में आप जो है कर्व्स वगैरह जो आप डिजाइन करना चाहते हैं तो वो आप वहां पर कर सकते हैं। मोस्टली हम इसका यूज करते नहीं है। ओपन शॉट वीडियो एडिटर का लिंक हम शेयर कर देंगे। आई विल शेयर दैट। पीसी या लैपटॉप पे हमने अभी बताया कि हमने ये यूज नहीं किया है पिक्सल लैब। अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो जरूर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह कर सकते हैं।
टेक्स्ट के अंदर इमेज वाला ऑप्शन, मैडम टेक्सर, सर टेक्सर का यूज होता है, टेक्सर का यूज करके आप टेक्स्ट के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी शेप के अंदर भी अगर है तो वहां पर भी आप जो है टेक्सर का यूज कर सकते हैं, TEXTURE, उस ऑप्शन से आप ये काम कर सकते हैं। मैम ये पिक्सेल लैब का पीसी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये गूगल क्रोम के एक्सटेंशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू अनुभव सर। तो आशा है कि आप सभी जितने भी हैं लोग उनको क्लियर हो गया होगा कि हमारे सहयोगी सर ने बताया कि आप क्रोम एक्सटेंशन से इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोबाइल पे ये इतना इजीली वर्क करता है, बहुत सिंपली वर्क करता है, तो हम इसका यूज़ सिंपली तरीके से कर सकते हैं। और ओपन शॉट वीडियो का भी सर ने बताया था कि हम बहुत ईजिली उसको मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने कभी यूज नहीं किया है, आई विल ट्राई दैट। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि मोबाइल आप कहीं भी कैरी करके, और मोबाइल सबके पास रहता है आसानी से, तो हम उसको काम कर सकते हैं। तो आई थिंक सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। इमेज का बैकग्राउंड पर सेटिंग करने के लिए एक ने क्वेश्चन किया है, तो हमने बताया था कि इमेज को अगर आप नॉर्मली थर्ड ऑप्शन से भी जाकर जो है इमेज को इंपोर्ट करके सेटिंग कर सकते हैं, लॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि पूरी इमेज हमारे बैकग्राउंड पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो इमेज का ही बन जाए, तो उसके लिए आप जो है फोर्थ बैकग्राउंड का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर इमेजेस को फ्रॉम गैलरी ले सकते हैं, या इनबिल्ट जो इमेजेस होती हैं वहाँ पर वो ले सकते हैं, या फिर आप कैमरा के से भी आप इमेजेस को ले सकते हैं और वो इमेज आपकी एज इट इज जो है आपके बैकग्राउंड पर सेट हो जाएगी। मेल मर्ज का ऑप्शंस मैंने अभी यूज़ नहीं किया है इस पर कि हम पिक्सेल लैब के द्वारा मेल मर्ज का कैसे कर सकते हैं, इफ वी विल फाइंड या हमारे किसी सहयोगी को पता हो तो अगर बताएं। हम लोगों मैंने अभी यूज नहीं किया है मेल मर्ज के साथ पिक्सेल लैब को कनेक्ट करने का ऑप्शन। सेव्ड प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप जब थ्री ट्राइंगल्स को ऑप्ट करते हैं तो पहला ही एक फोल्डर टाइप का दिखाई देता है, और फोल्डर टाइप में आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी माय प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके दिखाई देंगे, जिन पर आप रिक्वायर्ड चेंजेस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे, तो आई ओवर इट टू कहते हैं निशा मैम। Ma'am, there is one last question. What are thumbnails and what is their importance? Thumbnails आपने YouTube में देखा होगा कि starting में जब आता है तो आप देखते हैं कि उसमें एक पहला जो आपकी पिक आती है उसी को हम थंबनेल की तरह बोलते हैं कि YouTube का ये थंबनेल है, और उससे आपका एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर हम PPT शो करते हैं तो PPT में जो फर्स्ट जो हमारा पेज ओपन होता है उससे इंप्रेशन आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ SCRT 30 डेज कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप टॉपिक पिक्सेल लैब, तो आपको एकदम से आपके अंदर एक माइंड मेकिंग हो गई है कि ये हमारे 30 दिवसीय कंप्यूटर वर्कशॉप के बारे में पिक्सेल लैब आज का वो है। तो उसी तरीके से जब हम थंबनेल की बात करते हैं YouTube पर तो वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें उसके अंदर क्या मटेरियल है, किस चीज़ पर वो बात हो रही है, जैसे NEP के प्रोग्राम्स हुए थे उनके बारे में, या हमने YouTube पर अभी हमारे जितने प्रमोशनल वीडियो गए थे तो उस पर जो हमारा फर्स्ट जो हमने थंबनेल बनाए थे तो वो इसी बात को डिस्प्ले करते हैं कि हमारा इसके अंदर कंटेंट क्या है, जैसे बुक का कवर। आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट। थैंक। मैं एक सर का क्वेरी है, टेक्स्ट के अंदर इमेज वाले ऑप्शन को एक बार और क्लियर कर दीजिए।
ओके, मैं आई विल सेंड द वीडियो इन द ग्रुप, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट थी और दोबारा कनेक्ट होना उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा सर इस समय, क्योंकि फिर ओके मैम मैम, को, है ना, मैम को फिर कनेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट फिर नहीं हो पाएगा. तो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ दैट एंड वो फिर एक्सप्लेन हो जाएगा. तो ओवर टू यू सर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू शिवानी मैम. थैंक यू मैम. पिक्सेल लैब एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हम सभी टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. उसको हम अपने डेली लाइफ में अपने स्टूडेंट्स की आईडी बनाने के लिए या पोस्टर जनरेट करने के लिए टीएलएन के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, पर डे बेसिस पे कर सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेटिव सेशन विद अस. एंड हमारा नेक्स्ट सेशन कल के 10:30 AM पे स्टार्ट होगा. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो वेरी मच. Enjoy winding up the session.